हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है मिशन मैथमेटिक्स क्लास 9 की जो कार्यपत्रिका आ रही है, ठीक है, त्रिभुज के बारे में, उसमें 5/9/2023 की जो कार्यपत्रिका है उसके बारे में बात करेंगे आज हम लोग। यहाँ पर हम लोग आज कुछ नियमों के बारे में जानेंगे जिसके माध्यम से हम कोई भी दो त्रिभुज कॉन्ग्रेंट है या फिर नहीं है इसके बारे में बताते हैं। यदि दो त्रिभुज नीचे दिए गए किसी भी एक मापदंड पर कार्य कर रहा है, पूरा कर रहा है, तो समझ लीजिएगा वो कॉन्ग्रेंट है। साइड एंगल साइड, ठीक है, याद रखिएगा, एस से मतलब होता है साइड, ए से मतलब होता है एंगल और एस से मतलब होता है साइड। अगर इस मापदंड पर वो है, यानी दो साइडें बराबर हैं और एक एंगल बराबर है, इसका मतलब वो कॉन्ग्रेंट है। इसी तरीके से एक एंगल एक साइड और एक दो एंगल एक साइड बराबर हैं, तो ये तब भी कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर दो एंगल और एक साइड बराबर हैं, ए एस एस जिसे बोला जाता है, तब भी वो रहता है बराबर। तीनों साइड बराबर हों तब भी वो बराबर है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोथेन्यूस और साइड बराबर है, तब भी वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एस ए एस का मतलब क्या होता है, देखो, ऐसे एस का मतलब ये है, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड आप देख लो, जैसे इसमें 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ये बराबर है, ये वाली 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर बराबर है और एक एंगल इसका 40 है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट एंगल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं एस ए एस प्रॉपर्टी। किस नाम से जाना जाता है, एस ए एस प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए आते हैं यहाँ पर, ठीक है, और देखते हैं ज़रा इसमें। देखिए पहला वाला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इसमें कहा गया जेड एक्स जो है वो बराबर है आर पी के, आर क्यू जो है वो बराबर है किसके, जेड वाई के, पी एंगल पी आर क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल जेड वाई पी के। तो ये कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है, देखिए यहाँ पर बोला गया है नीचे दिए प्रश्नों को क्या है, आप किस चित्र में किस सर्वगत नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपने प्रयोग करा है एस एस ए, कौन सी, एस एस ए। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो, एक साइड ये बराबर है, एक साइड ये बराबर है, ठीक है, ये साइड कॉमन है और ये एंगल बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं एस ए एस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखोगे, ठीक है, तो एस ए एस प्रॉपर्टी का यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो इसकी साइड, इसकी जो साइड है याद रखना, इसकी साइड डी सी जो हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी ए बी के, इसके बाद ए सी दोनों में क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी और एंगल सी जो होगा वो एंगल ए के बराबर होगा। इसी तरीके से इसमें देखोगे आपकी डी ई जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, डी ई जो है ये बराबर हो जाएगी आपके डी जी के, इसके बाद डी एफ, डी एफ दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और एंगल डी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल एफ के, ठीक। तो अगर देखिए आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।